में विरोध करने पर चावल व्यापारी को बदमाशों ने मारी गोली। उत्तर प्रदेश के बागपत में बुधवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर एक चावल व्यापारी को गोली मार दी। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों में से एक बदमाश बाइक का बैलेंस बिगड़ने से गिर गया, जिसके बाद वे तमंचा और नकदी छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं एएसपी बागपत अनिल सिसोदिया मौके पर पहुंचे, जिन्हें व्यापारियों के विरोध का सामना भी करना पड़ा। व्यापारियों में असुरक्षा के कारण काफी रोष नजर आया, इसलिए व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में कॉम्बिंग कर रही है। आपको बता दें कि बड़ौत कोतवाली क्षेत्र की सराय रोड स्थित नवीन मंडी में चावल के व्यापारी अजय जैन को बाइक सवार तीन बदमाशों ने लूट के इरादे से गोली मार दी। व्यापारी से 2 लाख रुपए का थैला लूट कर भाग रहे बदमाशों में से एक बाइक से गिर हड़बड़ाए बदमाश नकदी और तमंचा मौके पर ही छोड़कर भाग गए। घायल व्यापारी ने तमंचा और रुपए से भरा बैग उठाकर नवीन मंडी पुलिस चौकी पर दे दिया। पुलिस ने घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया। वारदात से नाराज व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया, पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की है, साथ ही मंडी में सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग की है। वहीं एएसपी बागपत अनिल सिसोदिया सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और आक्रोशित व्यापारियों की किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ के लिए टीमें लगा दी हैं और उनका कहना है कि जल्दी ही बदमाशों को पकड़कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। ये जो नवीन मंडी है, सब्जी मंडी अभी जो नवीन बनी हुई है बड़ौत में, वहाँ से एक व्यापारी हमारे हैं। आज उनका कहना है कि जब लौट के आ रहे थे तो कुछ लड़कों ने उनको रोका, 3 लड़कों को बता रहे हैं। हालांकि लड़कों का हुलिया या मोटरसाइकिल के बारे में भी वो बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना, उन्होंने रोका और उनका बैग मांगा और इस बात पर जब इन्होंने अपोज किया तो उन्होंने गोली चला दी, जो कि उनके बाँह को छूती हुई निकल गई, दाहिने बाँह को छूती हुई निकल गई है। तो उनको जैसे ही सूचना मिली है तुरंत यहाँ से सीएससी ले आया गया। अभी मैंने उनसे बात भी की है, देखा भी है, तो डॉक्टर ने उनका मुआयना कर लिया है। बाकी जो भी है उनका एक्सरे करवाया जा रहा है, अगर उसमें और कोई डिटेल आती है तो उसके आधार पर हम लोग देखेंगे। और जो घटना है उसके लिए हमने टीमें बना दी हैं, एडिशनल को भी हमने बुला लिया है यहाँ पर और सीईओ साहबान में है, तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसा भी डिटेल आएगा वो हम आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।